फ्रेंड्स, मेरा नाम वैभव है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वन इन ऑल। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एयरफोर्स में जब जीडी होती है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ज़रूर देख लीजिए। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आपको मेरी डेली अपलोड्स की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं ये सब एग्ज़ाम से रिलेटेड और अपकमिंग एग्ज़ाम्स की वीडियो बनाता हूँ, जिसमें आपको बहुत हेल्प, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडियन नेवी अगस्त 2018 का बैच, जो कि जिसका नोटिफिकेशन आउट हो गया है और आप फॉर्म्स ऑनलाइन भरे जा रहे हैं, कौन कौन से हैं। SSR के भरे जा रहे हैं और डबल ए के भरे जा रहे हैं, जिसमें 60% और उससे अवव वाले लोग भर सकते हैं। इसमें हम आपको सबसे पहले बता दें, SSR के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है, 10+2 विद फिजिक्स एंड मैथ, और एटलीस्ट किसी केमिस्ट्री, बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस में किसी इन तीनों में से किसी एक के साथ होना चाहिए। एज आपकी 1 अगस्त 1997 से 31 जुलाई 2001 के बीच होनी चाहिए, दोनों डेट्स इंक्लूडेड हैं। ये SSR का मैं बता रहा हूँ सिर्फ। सिलेक्शन क्राइटेरिया इसमें क्या है, आपका जो रिटन टेस्ट होगा उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट मिलेगी। बाकी क्वालिफाइंग राउंड होते हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट और मेडिकल एग्ज़ाम में फ़िट होना चाहिए, ये क्वालिफाइंग है। बाकी जो आपकी मेरिट लिस्ट बनती है वो आपके रिटन एग्ज़ाम पे बनती है। रिटन एग्ज़ाम में आपको जो 4 सेक्शन में आता है टेस्ट, जो कि 1 घंटा उसमें समय रहता है, उसमें इंग्लिश, साइंस, मैथ और जनरल अवेयरनेस मतलब GK आती है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपको 1600 मीटर की रेस होगी, जो कि 7 मिनट में आपको कवर करनी होगी, 20 स्क्वाट्स हैं और 10 पुशअप्स हैं। डबल ए में भी यही सेम प्रोसेस है, बस इसमें एज का जो एज जो है इसमें अलग दी गई है। इसमें दिया 1 अगस्त 1998 से 31 जुलाई 2001 के बीच, और ये दोनों डेट इंक्लूडेड हैं। इस डेट में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है तो आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। आपको मैं बता दूं कि ये जो फॉर्म है 27 नवंबर 2017 से 10 दिसंबर 2017 तक भरे जाएंगे। इसकी जो एग्ज़ाम की डेट है वो एक्सपेक्टेड है कि जून 2018 में एग्ज़ाम हो और एडमिट कार्ड आ सकता है। तो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको और भी नई जानकारियों के साथ आऊँगा, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।